हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आरके आपके लिए लेकर आया हूं एक और न्यू वीडियो, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंट्रोल रन कैसे करते हैं। ये दोस्तों हमारे पास मशीन है ट्रांसएशिया की हीमेटोलॉजी एनालाइजर 5 पार्ट, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कंट्रोल को रन कैसे किया जाता है। पहले दोस्तों मशीन के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों मशीन है हमारे पास, इसके साथ ये DCL पैक लगा हुआ है जो स्कैनर की मदद से बारकोड को स्कैन करके फीड किया जाता है। ये यहाँ पर फ्लो सेल लगा हुआ है, ये WDF फ्लो सेल। ये सल्फोलाइजर है 5 लीटर WDF लाइजर सेल, सब बारकोड की मदद से स्कैन करके इसमें मशीन में सब केमिकल यूज किया जाता है। ये कीबोर्ड लगा हुआ है, ये हमारे पास इसके साथ ये माउस है। ये देखिए पूरा मशीन का व्यू, ट्रांसएशिया XM350 हीमेटोलॉजी एनालाइजर 5 पार्ट, काफ़ी एडवांस एनालाइजर है ये। इस मशीन में कंट्रोल को कैसे रन किया जाता है, कंट्रोल की मदद से हम दोस्तों इसमें पता लगा सकते हैं कि हमारी वैल्यू ठीक से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, किसी चीज़ में फ्लैग एरर तो नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मेन्यू पर चलते हैं। ये आप दोस्तों मेन्यू है, जिसमें मेंटेनेंस, ऑटो रीजनिंग, सेटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वर्क लिस्ट, पेशेंट लिस्ट इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों ये हमारे कंट्रोल हैं, कंट्रोल को हमने मिक्सर पर मिक्स करने के लिए डाला है। इनको लगभग 30 मिनट इंक्यूबेशन में रखना है। इसमें दोस्तों 3 कंट्रोल आते हैं, L1, L2 एंड L3। L1 हुआ लो कंट्रोल, L2 हुआ मीडियम कंट्रोल, L3 हुआ हाई कंट्रोल। ये हमारे पास यहाँ पर अभी L3 एंड L2 मौजूद है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंट्रोल को रन कैसे करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं L2 को। ये देखिए फ्रेंड, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले QC कंट्रोल पर जाएंगे। QC कंट्रोल पर जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, QC एनालाइजर, XM बार सेटिंग, QC फाइल। सबसे पहले हम QC एनालाइसिस पर जाएंगे। देखिए फ्रेंड, आपको बारकोड, इसमें लोट नंबर, मटेरियल, एनालिसिस डेट, एक्सपायरी डेट आपको दिखाई दे रही होगी। ये हमारे पहले कंट्रोल हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो हमने न्यू इसमें इंस्टॉल किया है। हम उस पर माउस की सहायता से हम उस पर नीचे जाएंगे। ये आपको 2 कंट्रोल दिखाई दे रहे होंगे, L2 एंड L3। हमने L2 पिलाना है तो L2 पर क्लिक करेंगे, L3 पिलाना है तो L3 पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम L2 पर क्लिक करते हैं। L2 पर डबल क्लिक करने के बाद आपको ओके का निशान दिखाई दे रहा है, ओके को क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। अब ये हमें कंट्रोल रन करने के लिए बोल रहा है, तो हम निडिल की सहायता से यहाँ पर ये प्रेस निडिल आपको दिखाई दे रही होगी, प्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल को यहाँ पर आके रन करेंगे। ये फ्रेंड हमने कंट्रोल को रन करा दिया है, कुछ प्रोसेस चलेगा 1 मिनट का, 1 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। ये हमारा चेक कंट्रोल चार्ट के लिए बोल रहा है। इसमें जो रेड कलर का आपको पट्टी दिखाई दे रही होंगी, इसका मतलब हमारा ये कंट्रोल ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। अगर कोई भी रेड फ्लैग नहीं आता है तो नीचे आपको एक्सेप्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये रेड कलर में फ्लैग अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, कंट्रोल को फिर रिपीट यानी दोबारा से रन करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने कंट्रोल को दोबारा रन किया है। ये देखिए फ्रेंड, हमने दोबारा रन किया है, उसको एक्सेप्ट करके हमारे पास ये फॉर्मेट आया है, जो इसमें काफ़ी रीडिंग है जो बिल्कुल सही है। अब हमारा कंट्रोल बिल्कुल ओके है। इसको हम, ये हमारा यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर की मदद से हम इसको प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, नीचे टेक्नीशियन
के साइन होंगे। ये दोस्तों मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम में जब मशीन को ओपन किया जाता है, सबसे पहले कंट्रोल को रन करके हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो कंट्रोल की हैं वो ओके हैं या नहीं है, क्योंकि कंट्रोल की वैल्यूज अगर ओके होंगी तभी हमारे रिजल्ट सही आ पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी एडवांस मशीन है ये, 5 पार्ट हीमेटोलॉजी एनालाइजर। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, फ्लैक्स, इसमें एनाइसोसाइटोसिस है या अनीमिया है, प्लेटलेट क्लम्पिंग, जो मशीन ठीक से रीड नहीं कर पाती है तो उसको प्लेटलेट क्लम्पिंग दिखा देती है, जिसको हम स्लाइड की सहायता से, माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसको रीड करते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको क्लम्पिंग दिखा चुका हूँ। ये दोस्तों हमारा कंट्रोल रन तैयार हो चुका है। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल्ली ऑटोमेटिक EM360 में कंट्रोल को कैसे रन करते हैं, कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। धन्यवाद।